यहाँ से बस इतना, अभी 10-5 दिन हमने चला है और हमारे दोस्तों का ये हाल है। हमें ऑलमोस्ट और 2 घंटे तक चलना है तो इसलिए तो वाट लग जाएगी। भी गाइज़ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता हो कि आज है नवरात्रि, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके पूरी फैमिली को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो आज हमारा प्लान ये है कि हम जाने वाले हैं एकवीरा देवी के दर्शन करने के लिए मॉर्निंग में। आपको पता होगा कि एकवीरा देवी है, उनका दर्शन नवरात्रि के टाइम पर काफ़ी अच्छा माना जाता है करना। तो मैं और मेरे दोस्त अब जाने वाले हैं एकवीरा देवी दर्शन में। मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं, निकल रहे हम, मतलब क्योंकि वहाँ पे एकवीरा में थोड़ा गर्दी ज़्यादा होने के कारण जल्दी जाएंगे तो जल्दी में दर्शन हमारा होगा। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे दी गई है, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। सो मैं अब जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स के पास। तो आज का ट्रिप हमारा जो है बाइक से नहीं है, हम जाने वाले कार से। तो यहाँ से मैं जब जहाँ तक हमारे सारे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं वहाँ तक बाइक से जाऊँगा, वहाँ से हम कार निकलेंगे। तो चलते हैं। नवरात्रि में एकवीरा माता के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आपके भाई को आप शुक्रिया मनाना कि आपको मैं दर्शन करवाने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। और आज के दिन हम जाएंगे एकवीरा माता के दर्शन। अभी तक तो इतना अंधेरा था इसलिए हमने अभी तक तक वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था। तो ये नागेश, प्रियंका और नहीं हमारी रोहिणी है, और ये हमारा रो ईश्वर। ऑलमोस्ट हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया, आधा डिस्टेंस कवर कर लिया, और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हम आए तो 400 रुपये का हमारा कट भी चुका है। लास्ट टाइम में जाने वाला था मेरा फ्रेंड, तो मैं जा नहीं पाया, तो इस साल मैं जा रहा हूँ। हम लोग आ गए थे ना तब तक। वो लगा वही नहीं, लेट करके वही नहीं, टाइम से एकदम आ गए। अरे ये सबसे पहले आ गया, लंबा रह गई। हाँ तेरे पे से लेट हुआ। 4 बजे फोन किया, 4 फोन के लिए मैंने कॉल रिसीव किया, थोड़ा देर बाद रिसीव किया मैंने। और व्यू एफ्रिको व्यूज।
तो इंडिया की तो वाट लग जाएगी अभी। ईश्वर कैसे लग रहा है मेरा दोस्त? आ गया तो अभी दम लगला उसके जानबूझ के चप्पल मारा ना। अभी मारू जानबूझ के मारूंगी। आ गया। बहुत लंबा जाना आई थिंक सपने कैसे लग रहा है। और बहुत लंबा है भाई। तो गाइस हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे आते टाइम कि नागेश क्या जैसे कि पार्किंग के चार्जेस भरने पड़ते हैं। हाँ 100 रुपीज़ के लिए कार थोड़ा आउटसाइड बिहार में पार्क करके आएंगे तो भी चलेगा। एंड उसके अलावा टोल नाका अगर ओल्ड हाईवे से आएंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि आप एक्सप्रेस से आओगे तो चार्जेस बहुत ज़्यादा है। राइट फास्ट टैग में हमने रिचार्ज नहीं किया था इसके लिए हमारे को यार बता रहा कि यार फास्ट टैग का कर सकते हो वरना ओल्ड हाईवे से आएंगे ज़्यादा अच्छा है। और गाइस ये दो घंटी का शौक पहाड़ के ऊपर फिर भी कितना प्यारा है। इसके अलावा आप देखोगे पूरा मॉल की तरह यहाँ पर बनाया है कंटिन्यू शॉप है। अब मेरा दोस्त तो लग गया थक गया बहुत ज़्यादा यहाँ पर और ये मैडम को अभी रुकना ही पड़ेगा इनके लिए तो मैं चलता हूँ थोड़ा आगे तब तक। यार कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ पर पूरा ग्रीन नेचर। तो गाइस यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या आगे हमें लगभग एक घंटा और चल के जाना है तो दो दोस्त साथ में दो दोस्त पीछे रह गए चलो आ जाएंगे आराम से। So guys, हमें मिल गया है ये प्यारा सा वाटरफॉल। चलते चलते अब आधा रास्ता तो हमने कवर कर लिया। हम दोनों पीछे रह गए और बाकी तीन सब चले आगे चले गए। सच में अगर आपको पीस चाहिए थोड़ा शांति चाहिए तो आप आ सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे खाना खाएंगे इससे कहीं रुकेंगे खाएंगे आगे का डिस्टेंस कवर करेंगे।
हमारी गाड़ी अब रुकी यहाँ पर व्यू पॉइंट पर, और ये नज़ारा यहाँ से हमें मिल रहा है। बारिश है यहाँ पे, हमारा मैगी खाने का प्लान कर रहा है। देखते भी कहाँ जाना है, कुछ डिनर करना, हमारा लंच करने का प्लान था पर यहाँ पे कुछ मिला नहीं अभी तक। हमने थोड़ा यहाँ पे व्यूज एंजॉय करने के लिए, थोड़े फ़ोटो शूट करने के लिए यहाँ पे गाड़ी रुकाया था हमने। तो ये जो हाईवे है ओल्ड वाला रास्ता है लोनावाला के लिए, और ये जो आप देखोगे ये वाला एक्सप्रेस हाईवे। ये हमारे बहुत सारे मंकी दोस्त, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। A few moments later. गाइस हम होटल से लंच करके निकल चुके हैं, और मेरे दोस्त काफ़ी थक चुके हैं। ये हमारी वहनी, ये ईश्वर भाई काफ़ी थके हैं, और ये प्रियंका वीडियो बना रही है। हाय हाय गाइस, और हमारा दोस्त नागेश बेस्ट ड्राइविंग कर रहा है। और अब हम लगभग पनवेल पहुंच चुके हैं, क्या क्या हमें जाना है घर। इससे बात करिए वीडियो कॉल पर, बात कर रही है तो अमर हो गई। मैं तो काफी थक गया, एक थका हुआ इंसान का सबूत देख लो। मॉर्निंग में 4 बजे उठे थे हम, 4 बजे उठ के आए थे यहाँ पर, 4 बजे उठे थे मतलब 5 बजे निकले, 5:30 बजे हमने निकले घर, तो हमारा ऑलमोस्ट 10 बजे दर्शन हो गया था, 10 बजे हमारा दर्शन हो गया था। हमारी कोई नहीं है तो बताएगी कि आज के ट्रिप में फर्स्ट टाइम हमारे साथ आई है कहीं बाहर, तो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा, कहीं ने परेशान तो नहीं किया ना, एंजॉय किया आपने। गिरा माता के पटना आए थे ना, वही नहीं बोल रही कि बहुत चलना पड़ा, चलना तो पड़ेगा पहले। वही तो वैसे बोलो तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही चला हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम गया था, मतलब एक पूरा गया हूँ मैं ऊपर जो वहाँ पे गए थे, मैं फर्स्ट टाइम आज गया था, तो डेफिनेटली एंजॉय किया। जैसे कि हमारे वहनी को तो आज का ट्रिप काफ़ी अच्छा लगा, और बिना किसी प्रॉब्लम के ये ट्रिप हमने कम्प्लीट किया है, पीछे सबूत है। और ये वीडियो हमको यहीं पर एंड करना पड़ेगा। प्लीज़ बताना ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो को कैसा लगा, और साथ में समझ गए, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अगला अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं उमेश नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा दूसरे ट्रिप के साथ, और तब तक के लिए दिस इज उमेश सेइंग बाय टू यू गाइस फ्रॉम ट्रैवलर बॉय उमेश। जय हिंद।